माँ आपने जितनी भी छोरियों की फोटो भेजी है ना, उनमें तो कोई भी सीना है जो इस घर की बहू बन सके। बेटा और कैसी लड़की चाहिए तुझे? माँ मने इसी छोरी चाहिए है जो आपकी सेवा करे और घर ने भी संभाल ले। और जिन छोरियों की फोटो आपने भेजी है ना, उन तो उनके कपड़े तो संभाले ना जा रहे, वे घर ने कैसे संभालेंगी? क्या हुआ सर? वो आ गए अंकल जी। ठीक है, धन्यवाद बेटा। वहां से जो लड़की किसी और के लिए इतना कर सके है, वो अपने आप कितना ध्यान रखेगी? सर कुछ बोला आपने? कुछ नहीं। कौन है लड़की पता कर? लगता है सर को पहली नजर वाला प्यार हो गया है। ठीक है, शाम तक पता करता हूँ। यार आदि, पता चला उस लड़की के बारे में? सर पता तो चल गया, लेकिन बाप की दाल निकलने वाली। क्यों? सर बस ये समझ लीजिए जैसे आग और पानी कभी एक नहीं हो सकते, वैसे ही कुछ। यार तू पहले मत बुझा, साफ साफ बता मेरे तो बात के है। सर वो अमीरों से कुछ ज्यादा ही नफरत करती है, जैसे पाकिस्तान इंडिया से। मतलब? अरे सर प्यार तो दूर की बात, वो अमीरों को अपने पास तक नहीं भटकने देती। ऐसा क्यों? सर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप उससे प्यार करने के बारे में सोचना है मत। अगर उसको ये पता चल गया कि दीक्षित ग्रुप के चेयरमैन हो आप, फिर तो हो गया सर। यार मुझे ना एक कार लेनी है। बताओ सर कौन सी बुक करूं, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी? ना सर, आपको नहीं लगता गाड़ी कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब है? अरे ना ना, एकदम परफेक्ट है, यही तो चाहिए थी। तू ले चाबी दे। सर एक बात और, वो आते हुए गाड़ी का एसी और ख़राब हो गया। चल कोई बात ना, गाड़ी तो चल रहा है ना। हाँ सर। बस फिर बन गई बात है, चलिए। सर और क्या क्या करना पड़ेगा आपके लिए? अरे तू मेरे तो इतना नहीं कर सकता कि बैठा रहे चुपचाप, और जितना बोल रहा है ना बस उतना ही करिए, उस तो बत्ती नहीं। समझ गया? ठीक है सर। अरे वो पक्का होगी ना उड़े? हाँ सर मैंने सब पता कर लिया, वो वही मिलेगी। शिट, एक तो वैसे इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हूँ, ऊपर से कोई ऑटो भी नहीं दिख रहा। आराम से भाई आराम से, आ जाओ मैं करा देता हूँ आपको रोड क्रॉस। सुन। हाँ। देखे गए हो मैंने? मुझे क्या पता सर, मैं तो अंधा हूँ। तू कल ले, तो मैं बताता हूँ। देख के उतारो, कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं आ रही। आपके चक्कर में क्या क्या करना पड़ेगा। तो बकवास करे, तू एक काम कर। हाँ। तेरा काम हो गया, चल लेकर चल लेकर चल रहा था। हाँ हाँ आ रहा हूँ मैं इंटरव्यू के लिए, आ रहा हूँ। हाँ एनएसपी आ रहा हूँ मैं। अरे वो थोड़ा काम था तो मैं रुक गया था यार। हाँ हाँ बस पहुँचने लग रहा हूँ। बुला ले बुला ले बुला ले। Excuse me. जी वो मैंने सुना कि आप एनएसपी जा रहे हैं। एक्चुअली मैं बहुत लेट हो रही हूँ, आज मेरा भी इंटरव्यू है। इफ यू डोंट माइंड आप प्लीज मुझे छोड़ देंगे? हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर दूंगा आपको ड्रॉप।
इतनी गर्मी हो रही है, आपने एसी क्यों नहीं चलाया? यार वो एसी खराब हो गया है। तो ठीक करा लेते। वो अभी पैसे नहीं है, मिडिल क्लास लोग है ना, तो खर्चा थोड़ा देख के करना पड़ता है। ओह शिट। अरे क्या हुआ? यार मेरा इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया। एक काम करो, आप मुझे यहीं छोड़ दो, मैं यहाँ से घर चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं, आपका तो इंटरव्यू है ना। ओह, मेरा भी पोस्टपोन हो गया, अभी अभी मैसेज आया है। तो एक काम करते हैं, घर जाने से पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई, दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो कई। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। हाँ मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा ऑफिस आने में, बाकी वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करवा के रखो। हाँ मैं भी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। धीरज। अरे पल्लवी कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू अपना बता। ये गाड़ी और ये तूने अपनी हालत क्या बना रखी है, क्या चल रहा है ये सब? अरे कुछ नहीं, बस ऐसी। अच्छा जी, आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रहा है, सच सच बता क्या चल रहा है? यार वो एक लड़की है शंश्री, तो यार वो मेरे को ना पसंद आ गई है। मैं ना तेरे को उसकी फोटो दिखाता हूँ, एक मिनट रुक। अच्छी है ना? धीरज तू पागल हो गया है क्या? तेरे पीछे इतनी हॉट हॉट लड़कियां पड़ी हुई है और तू है कि उसके पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा क्या है उसमें? प्यार ना शक्ल सूरत देख के ना होया करे, दिल देख के होया करे। हाँ आप पहुंच रहा हूँ मैं अभी। हेलो। अरे कहाँ रह गए आप, चलना नहीं है क्या? कहाँ? भूल गए, आज हमारा इंटरव्यू है। अरे हाँ हाँ अच्छे से याद है, बस अभी आ गया 10 मिनट में। जल्दी आओ, लेट हो जाएंगे वरना। आदि तू संभाल लियो, मैं आता हूँ शाम तक, ठीक है? चल ठीक है। अरे वाह, घड़ी तो काफी अच्छी लग रही है तुम्हारी। अरे अरे हाँ, वो फर्स्ट कॉपी है, कली पालिका बाजार से लेके आया हूँ। ओह ये तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है, काफी अच्छी है। थैंक यू। एक लड़की आ रही है संश्री नाम की इंटरव्यू के लिए, तो उसका देख लियो। कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? अरे यार आज तो कमाल ही हो गया,
मैं अंदर गई, उन्होंने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा, सीधा ज्वाइनिंग लेटर दे दिया और कहा कि कल से ज्वाइन कर लेना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब उनको टैलेंटेड लोगों की पहचान है। I'm so happy. चलें अब। क्या हुआ यार? पता नहीं क्या हुआ, स्टार्ट ही नहीं हो रही। एक काम करते हैं, पैदल चलते हैं, आगे से ऑटो ले लेंगे। ठीक है? ठीक है। कल से तो तुम बिजी होने वाली हो अपने ऑफिस में, है ना? हाँ तो फिर अबे ओ बदतमीज, देख के नहीं चला सकता? गाड़ी क्या आ गई, अपने आप को नवाब समझने लग गए? ये सारे अमीर एक जैसे होते हैं। अरे बस बस, इतना गुस्सा क्यों? वैसे मुझे एक बात बताओ कि तुम अमीरों से इतनी नफरत क्यों करती हो? कुछ नहीं। अरे कुछ तो बात होगी, बोलो। मेरी बहन का बॉयफ्रेंड था, वो बहुत अमीर था, उसने उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया, उससे शादी का वादा किया, उसके साथ गलत हरकतें करी और फिर किसी और से शादी कर ली। मेरी बहन से ऐसा कुछ देखा नहीं गया, उसने सुसाइड कर लिया। तब से मुझे इन सब अमीरों से नफरत है, ये सब एक जैसे होते हैं, सिर्फ यूज़ करना जानते हैं लोगों का और कुछ नहीं। अच्छा चलो, मेरा घर अब पास नहीं है, मैं यहाँ से पैदल चल जाऊँगी। एक इम्पोर्टेंट बात करना तो भूल ही गई, कल मेरा बर्थडे है और तुम्हें ज़रूर आना है। ऐसा हो सकता है तुम्हारा बर्थडे हो और मैं ना हूँ? ठीक है, बाय। हेलो, हाँ आदि, मैं तेरे को लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, फटाफट गाड़ी लेके आ लोकेशन पे। जाने की तैयारी हो रही है? अरे वो शंशरी का बर्थडे है ना आज, तो वहीं जा रहा हूँ। ये कपड़े पहन के तू ना पागल हो गया उस लड़की के चक्कर में? लोग तरक्की करके आगे बढ़ रहे हैं और तू है कि अपना स्टैंडर्ड गिराता जा रहा है। तू है ना, अपने काम पे काम रख, समझ गई? मैं अपना खुद देख लूंगा। मैं भी देखती हूँ तू उसे अपना कैसे बनाता है। बस बस यही उतार दे और तू थोड़ी देर वेट कर, मैं आता हूँ अभी। ठीक है। यार सब लोग आ तो गए, केक काटना। यार बस 5 मिनट और। अब किसका वेट कर रही है यार, हमें घर भी जाना है। यार धीरे जाने ही वाला होगा, उसके साथ केक काटेंगे। ठीक है। हैप्पी बर्थडे शंशरी। अरे क्या हुआ शंशरी? क्या हुआ? धोखा दिया तुमने मुझे, मैं तुम्हें क्या समझती थी? और तुम एक नंबर के झूठे निकले। झूठ? कौन सा झूठ? क्या है ये? वैसे सही तरीका ढूंढा है तुम अमीरों ने लड़कियों को फंसाने का और उनका यूज करने का। शंशरी मैं तुझसे प्यार करता हूँ सच में, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। झूठ बोल के तुम किसी से प्यार की उम्मीद करते हो? मेरी फीलिंग्स का क्या? नहीं मनाना मुझे कोई बर्थडे, जाओ यहाँ से। और तुम सब भी जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो।
क्या हो सर? सब पता चल गया उसको। मैम, आपको क्या लगता है सब अमीर एक जैसे होते हैं? अरे उन्होंने जो किया आपके लिए किया, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिस आदमी ने कभी 5 स्टार से नीचे खाना ना खाया हो, उस आदमी ने आपके लिए रोड पे खड़े होकर गोलगप्पे खाए हैं। जिसके घर में महंगी से महंगी गाड़ियाँ हों, वो आदमी आपके लिए धूप में पैदल चला है। जिसके पीछे हज़ारों लड़कियाँ पागल हो, वो आपके पीछे पागल है। मैम आप कुछ भी सोचो, लेकिन धीरज सर बहुत प्यार करते हैं आपसे। I'm sorry धीरज, मैं तुम्हें गलत समझा। हर लड़का एक जैसा नहीं होता। मैं तुम्हें बहुत गलत जज कर रहा हूँ। I'm really sorry. सब भुल जा पुराने तेरे लायक नहीं, मेरे बिना तेरा कोई नायक नहीं। तेरी अगे दी कहानी तू मेरे ते छड़ दे, होन दिंदा कुछ दुखदायक